सीतामढ़ी थाना अंतर्गत 21 फरवरी को तकरीबन रात 11 बजे राजकुमार संजय जावा नामक व्यक्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी कार का पीछा कर जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खरेटाउन निवासी राजकुमार संजय जावा अपनी ऑडी कार से अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी तीन अज्ञात लड़के ट्रिपल सीट पर उनकी कार का पीछा कर जोर जोर से गाली गलौज कर रहे थे। कार चला रहे राजकुमार जावा ने अपराधियों को गाली गलौज देने से मना किया तो बाइक पर सवार तीनों अपराधियों ने उन्हें ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क गेट के सामने रोक कर राजकुमार पर तेज धार वाले हथियारों से वार कर उन्हें घायल कर दिया। अपराधी सागर मसराम, गौरव कहारे, लक्ष्मण राजेश के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 21 फरवरी को रात को 11 बजे इसमें का कंप्लेनेंट राजकुमार जावा ये ट्रिलियम मॉल से खाना खा के अपने फोर व्हीलर में बड़ी की तरफ आ रहा था। उसका रहना खरे टाउन के यहाँ पे है। आते टाइम अलंकार चौक में से उसके पीछे टू व्हीलर पे तीन लड़के जोर जोर से गाली गलौज करते हुए और हॉर्न बजाते हुए उसके पीछे आ रहे थे। उसने उसको उन बच्चों को टोका तो उन्होंने उसको गाली गलौज करना चालू किया। तो ट्रैफिक पार्क आने के बाद में वो लोग रुके और वहाँ पे उनका झगड़ा चालू हो गया। इस झगड़े के दौरान वो तीनों लड़कों ने ये कंप्लेनेंट को मारना चालू किया और उसमें से एक लड़के ने चाकू जैसे धारदार हथियार से कंप्लेनेंट के पेट के ऊपर और पीठ के ऊपर वार किए और तुरंत वहाँ से भाग गए। कंप्लेनेंट फिर अपने घर पे पिताजी को बुलाया और बोकाड़ हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसके बयान के मुताबिक हमने 307 के तहत गुनाह दाखिल किया। इसमें हमने CCTV फुटेज चेक किए लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था या गाड़ी का नंबर नहीं मिल रहा था। लेकिन सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन के DB स्टाफ के API शेरकी, प्रफुल्ल मानकर, प्रशांत भोयर, हवलदार कोड़ापे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अपने पर्सनल इन्फॉर्मर्स को इन्फॉर्मर्स के पास से बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन निकाल के गाड़ी का नंबर निकाला और उसके ऊपर से ये आरोपी तीनों ताबे में लिए। ये तीनों आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है और आगे की कार्रवाई चालू है।